हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी कुरुक्षेत्र की। यस, एनआईटी कुरुक्षेत्र की तरफ से फाइनली एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर पीएचडी एडमिशंस, एंड उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे शेयर कर दीजिएगा। एंड क्योंकि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी कमेंट्स आए थे एंड अभी तक फॉर्म्स एक्टिव नहीं थे, तो डू शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड वन मोर थिंग, अगर बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द सेम। सो सबसे पहले nitkkr.ac.in, ये है वेबसाइट एंड इसी पे आपको विजिट करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। एंड हम नोटिफिकेशन देखें, उससे पहले यहाँ अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ्रेंस एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, तो प्लीज़ इसको आप, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उसे चेक कर सकते हैं टाइमली, राइट। नाउ यूजफुल लिंक्स का है सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आप इस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं इनकेस फोन में ओपन कर रहे हैं, या फिर एडमिशन 2022 के बाद पीएचडी भी ओपन कर सकते हैं। सो नोटिफिकेशंस में यहाँ पे आप देखेंगे कि पीएचडी का है नोटिफिकेशन। सो पीएचडी एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 2022-2023, इस पे करेंगे क्लिक, देन येस नेक्स्ट पोर्टल या वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस है। सो देखिए, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट है पीएचडी के लिए, 29 जुलाई डेटेड ही ये इन्फॉर्मेशंस है। देन एप्लीकेशन फॉर्म है, टेंटेटिव शेड्यूल है, एंड देन पीएचडी का ऑर्डिनेंस है। तो हम एक बार टेंटेटिव शेड्यूल देखेंगे, फिर एडवर्टीजमेंट देखेंगे, एंड एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को भी देख लेंगे, देन हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस की। सो चलिए पहले ओपन करते हैं शेड्यूल। सो येस, नाउ दिस इज द टेंटेटिव शेड्यूल। एडवर्टीजमेंट 29 जुलाई को आया है, एंड ऑनलाइन गूगल फॉर्म जो है वो अवेलेबल है 16th ऑफ अगस्त तक। सो बेसिकली 16 अगस्त लास्ट डेट है, 16th ऑफ अगस्त इज द लास्ट डेट। देन रिजल्ट आएगा स्क्रूटनी का, सो बेसिकली स्क्रीनिंग होगी, तो उसका रिजल्ट 18th ऑफ अगस्त तक आ जाएगा। एंड उसके बाद जो एलिजिबल होंगे वो उनका रिटर्न टेस्ट होगा, पेपर 1 पेपर 2, दो पेपर्स होते हैं। यहाँ पे 10 बजे से होगा 22 तारीख को, सो रिटर्न होगा 22nd ऑफ अगस्त को, राइट। बाकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर मिलेगी। उसके बाद इंटरव्यू होना है नेक्स्ट डे 23rd-24th को, सो शायद ऑफलाइन ही रिटर्न टेस्ट भी हो, बट आई एम नॉट श्योर, अभी हम देखते हैं अगर बताया गया होगा तो, अदरवाइज वेबसाइट से आपको पता चलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे एडमिशन लेटर वगैरह है, एंड यस बाकी डेट्स हैं। सो बेसिकली लास्ट डेट इज 16th ऑफ अगस्त 2022, फाइन। सो अब हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट। सो येस, ये है एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन। सो एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2022-2023, गूगल फॉर्म के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड वाया गूगल फॉर्म। यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक आई विल ट्राई कि ये आपको सबसे पहले मिली जाए डिस्क्रिप्शन में, ओके। सो चेक कर लीजिएगा। देन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए नोटिफिकेशन आया है। सो यहाँ पे है वो डिपार्टमेंट्स, एंड कितनी इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के अंडर सीट्स अवेलेबल है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। कैटेगरी वाइज भी है, बट हम टोटल देखेंगे, आप एक बार अपनी कैटेगरी का देख लीजिएगा। सो सिविल इंजीनियरिंग, ये स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, एंड देन यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि है 11, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसमें 8 सीट्स हैं, आफ्टर दैट आईटी जिसमें 4 सीट्स हैं, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 12 सीट्स, ईसीई 11, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगेन 11। नेक्स्ट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 4 सीट्स, फिजिक्स 3 सीट्स, केमिस्ट्री 3, मैथ्स 3, देन एचएसएस में इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, एंड साइकोलॉजी है, एंड ओवरऑल एक ही सीट है, सो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। देन है SREE, सो ये बेसिकली सोलर एनर्जी, देन बायोफ्यूल्स, ये सभी है इसमें एरियाज़ या स्पेशलाइजेशन, सो एरियाज़ को देख लीजिएगा। देन एक ही सीट है यहाँ पर जनरल कैटेगरी की। देन VLSI में 2 सीट्स हैं, देन MCA है जिसमें 3 सीट्स हैं, MBA यहाँ पर 3 सीट्स अवेलेबल हैं, टोटल 80 सीट्स हैं, ये सारी सीट्स फेलोशिप वाली हैं, राइट। सो यस, 80 टोटल सीट्स हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी फॉर्म आया है, सो आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यू कैन अप्लाई। देन फुल टाइम सीट्स जो जेआरएफ वगैरह की होगी, आपके पास अगर फेलोशिप वगैरह है, ठीक है, या प्रोजेक्ट फेलोशिप, सो वो भी है इसी में, ओके। देन ये सभी जो सीट्स हैं वो डिपेंड करता है, सो बेसिकली द थिंग इज कि नंबर्स वेरी करते हैं, राइट। तो ये तो सिर्फ इंस्टीट्यूट फेलोशिप जिन्हें अवेलेबल होगी वो है, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भी कैटेगरीज में सीट्स अवेलेबल है, ओके। देन यहाँ पे नंबर है जो सीट्स हैं किसी भी कैटेगरी की, वो डिपेंड करेंगी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड स्लॉट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी पे, फाइन। तो बाकी नोट के ये जो सारे पॉइंट्स हैं देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट है कि इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप से रिलेटेड, दैट एट नो स्टेज इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप विल बी गिवन टू अ कैंडिडेट जिन्हें की किसी और प्रोजेक्ट के थ्रू या स्कीम के थ्रू बेसिकली ये स्कॉलरशिप मिल रही है, राइट। देन ये इंपॉर्टेंट है, सो सिर्फ गेट या नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूट
स्कॉलरशिप सीट्स के लिए राइट. बाकी पार्ट टाइम वगैरह के लिए विदाउट नीट भी इट सीम्स कि यू कैन अप्लाई. देन ओबीसी एनसीएल AWS सर्टिफिकेट रिन्यूड होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए दिस ईयर ओनली. देन एप्लीकेशन फीस ₹500 फॉर ओपन कैटेगरी एंड 200 है SC ST PWD के लिए. SBI कलेक्ट के थ्रू आपको पेमेंट करनी है. एंड वन मोर थिंग कि आप ध्यान रखिएगा कि जो भी क्राइटेरिया है जो रिक्वायर्ड है वो आप लास्ट डेट दैट इज 16 अगस्त तक फुलफिल करते हो ओके तभी आप अप्लाई करेगा. एंड सॉरी फॉर दिस. सो यस, ये कुछ पॉइंट्स हैं. सो एक बार आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, कोई इशू होता है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बट जैसा कि आपको पता है थोड़ा सा डिले बहुत थोड़ा नहीं, आई थिंक बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है रिप्लाई में. सो आप एक बार मेल भी कर लीजिएगा ओके. सो एनीवे यहाँ पे है बेसिकली एक नोट है दैट एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले यहाँ पे है कि ऑर्डिनेंस वगैरह को देख लीजिएगा, वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, अभी हम देखेंगे. देन यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है कि आप एडमिशन 2022 के बाद PhD टैब पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म राइट. यहाँ पे है गूगल फॉर्म का लिंक एंड लास्ट डेट इज 16th of August 2022. सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट लिंक या इन्फॉर्मेशन को. सो यस, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये फॉर्म भी अवेलेबल है राइट. सो इसको आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है बट आप गूगल फॉर्म जो लिंक होगा उसके थ्रू अप्लाई करिएगा. एंड इसके बारे में अभी आई एम नॉट श्योर, हम ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं हम. एंड वन वेट, ये प्रॉपर ये फॉर्म है ठीक है. एंड मे बी आपको गूगल फॉर्म जो फिल करना होगा उसमें शायद यही इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी. सो इन्हें देख लीजिएगा. सो यस, नाउ ऑर्डिनेंस NIT कुरुक्षेत्र प्रोस्पेक्टस है ये बेसिकली. सबसे पहले ओवरव्यू है एंड ये सारी बातें हैं. देन फीस एंड डिपॉजिट्स हैं. सो ट्यूशन फी हर सेमेस्टर में 10,000 है. देन NRIs के लिए क्या है वो लिखी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कितनी फ़ी है, कितना अमाउंट है एंड टोटल आप कर सकते हैं राइट. देन हॉस्टल वगैरह से रिलेटेड रूल्स हैं. देन PhD प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं. देन रिसर्च एरियाज़ क्या क्या अवेलेबल हैं. देन ये है कॉन्टैक्ट एंड ईमेल आईडी. सो जिस भी लाइक डिजिग्नेशन या जो भी आपकी क्वेरी है आप देख लीजिएगा. अगर आपको अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेरी है तो आप डिपार्टमेंट को भी मेल कर सकते हैं. ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है एंड आई थिंक येस, अगर इशू है तो आप इन्हीं को कॉन्टैक्ट करेंगे. PhD डेस्क भी है. सो कोई जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं राइट. देन यहाँ पे है ऑर्डिनेंस. इसमें आपको मिलेगा क्राइटेरिया देखने को कि क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए. सो यहाँ पे है क्लासिफिकेशन. सो फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही तरह के PhD अवेलेबल हैं. एंड बाकी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे टीचर, नॉन टीचर, प्रोजेक्ट स्टाफ एंड देन कंट्री में इंडिया और फॉरेनर है. सेल्फ फाइनेंस्ड भी PhD अवेलेबल है. देन फेलोशिप या स्कॉलरशिप अवॉर्डीज जिन्हें फेलोशिप मिल रही है ये है कैटेगरी. देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DRC एंड ऑल. नाउ एलिजिबिलिटी. सो आई एम रियली सॉरी कि इतना टाइम लगा बट ये सीक्वेंस था राइट. सो क्या होनी चाहिए कंडीशन. सो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 6.5 CGPA के साथ, या परसेंटेज है तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ठीक है. जिनके पास भी मास्टर्स डिग्री है उनके पास फुल टाइम बैचलर्स डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी आपके 6.5 CGPA 60% मार्क्स हों ये रिक्वायर्ड है. या फिर आप डायरेक्ट PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. आपके पास फुल टाइम बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक में, 80% मार्क्स या 8 CGPA के साथ साथ में आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं. वर्क एक्सपीरियंस इस लेवल का होना चाहिए ओके. देन यहाँ पे कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं. सो अगर आप एम्प्लॉयज हैं ठीक है तो आपके लिए है. बेसिकली पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉय होंगे तब करना चाहते होंगे, या आप कहीं के रेगुलर फैकल्टी हैं या रेगुलर एम्प्लॉय हैं. सो इस सेक्शन को देख लीजिएगा. यस, आपको NOC भी सबमिट करनी है. नाउ यस, इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है. सो गेट या नेट रिक्वायर्ड है आपके पास होगा तभी आप इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे फॉर फेलोशिप राइट. नेक्स्ट यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है एंड 5 ईयर्स तक आपको फेलोशिप मिलती है. यहाँ पे एग्जेम्पशन है कि नहीं, रिटन टेस्ट एग्जेम्पशन मिला हुआ है. सो पार्ट टाइम PhD के लिए अगर आप अप्लाई करें एंड आप इनमें से कोई भी हैं, नेशनल लैब में काम करते हैं या रेगुलर एम्प्लॉय हैं ठीक है, R&D के एक्सेट्रा, तो उस केस में आप एग्जेम्प्टेड होंगे तो इसे देख लीजिएगा. फुल टाइम में जिनके पास नेट GRF है वो एग्जेम्प्टेड हैं, उन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा राइट. कोर्स वर्क की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है. देन एडमिशन के बारे में है. सो पेपर 1 पेपर 2 दो होते हैं. PG लेवल का ही सिलेबस होता है. ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रिटन टेस्ट होगा. पेपर 1 30 मिनट्स, पेपर 2 40 मिनट्स ओके. आपके स्पेशलाइजेशन का होगा पेपर 2 एंड 1 होगा रीजनिंग एंड ऑल राइट. नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरह से और कुछ इन्फॉर्मेशन है. सो गाइज, गो थ्रू दिस स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस एंड देन अगर कोई इशू है तो आप पहले जो आपने ईमेल आईडीज देखी उन पर
कॉन्टैक्ट करिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को करिएगा फॉर जनरल क्वेरीज, एंड बहुत स्पेसिफिक है डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आप डिपार्टमेंट की आईडी पे मेल करेंगे, फाइन। देन यहाँ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, कोर्स वर्क एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस है तो इसमें प्रॉपर जो पीएचडी प्रोग्राम है इनका उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन है। सो इसे देख लीजिएगा, आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर ली है, कोई इशू है तो आप बता दीजिएगा, एंड कोई डिस्टर्बेंस रहा है तो आई एम रियली सॉरी। सो येस, टू सम अप, क्राइटेरिया है ये 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं या 6.5 CGPA, डायरेक्ट पीएचडी भी अवेलेबल है बट एक्सपीरियंस है अगर 5 इयर्स का अलॉन्ग विद बीटेक तो आप एलिजिबल हैं। एग्जेम्पशन अगर जेआरएफ हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे एंड बाकी प्रोसेस में रिटर्न है, फिर इंटरव्यू है, नेक्स्ट डे ही इंटरव्यू है, चांसेस ऑफलाइन के हैं, बाकी ऑनलाइन भी हो सकता है, ये आपको बाद में पता चलेगा। एंड नेट गेट रिक्वायर्ड है सिर्फ इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए, एंड बाकी आप पार्ट टाइम वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक बार ऑर्डिनेंस को पढ़ लीजिएगा। एंड रिटन टेस्ट दो पेपर्स होंगे, पेपर वन रीजनिंग एंड पेपर टू होगा आपके एरिया का, राइट। सो यस, आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।